नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र स्थित अनंतराज सोसाइटी में शराब पार्टी के दौरान गोली मारकर युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया। थानाधिकारी हितेश शर्मा ने बताया कि प्रकरण में शामिल मोंटी निवासी नारोल को जयपुर के SMS अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद गिरफ्तार किया गया। घटना के दौरान घायल हुए मोंटी ने पूर्व में पुलिस को पर्चा बयान दिया था कि वह और शमी सरदार दीपक यादव और दीपक कुमार साथ बैठकर अनंतराज सोसाइटी में शराब पी रहे थे। इसी दौरान उसे और दीपक कुमार को दीपक यादव, मोहित और शमी सरदार गोली मारकर भाग गए। इसमें दीपक कुमार की मौत हो गई थी। पुलिस पूछताछ में आरोपी मोंटी ने बताया कि शराब पार्टी के दौरान आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसके चलते दीपक कुमार ने मोंटी के सिर पर मुक्का मारा तो मोंटी ने पिस्टल से दीपक कुमार पर फायर कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय से 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। पुलिस बदमाशों के आपराधिक रिकॉर्ड का भी पता लगाने में जुटी है।